हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ क्लास, आई एम हियर अगेन फ्रॉम सीबीएसई ट्यूटोरियल्स। टुडे वी विल डू वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 16 ऑफ योर सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। टुडे वी विल डू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। Your question number one is, why we celebrate Water Day every year? So what is your question number one? Why we celebrate, हम लोग क्यों celebrate करते हैं Water Day को every year यानी हर साल हम बात करते हैं 22nd of March को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? हाँ, वॉट इज योर क्वेश्चन हेयर? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। वाई वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर? एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वाटर डे, वाई? हाँ, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस वाई। सो योर आंसर इज, राइट डाउन, we celebrate water day every day. Why? Sorry, every year we celebrate water day every year on which date? 22nd March as world water डे। यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन ऑफ 2 or 3 marks, ओके? अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यू हैव टू अटेंड दिस आंसर। इफ यू आर गेटिंग 3 marks क्वेश्चन, वाई वी सेलिब्रेट वॉटर डे एवरी ईयर, देन यू हैव टू राइट द आंसर्स इन 50 to 60 words। एंड इफ यू आर गेटिंग 2 marks क्वेश्चन, देन योर वर्ड लिमिट इज बिटवीन 30 to 50 words, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, we celebrate water day every year on 22nd March as world water day. Why? Because to attract the attention of everybody, okay, in order to attract the attention of everybody, हर किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए हम वाटर डे मनाते हैं। टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वॉटर। कंजर्विंग वॉटर का मतलब क्या होता है बच्चे? टू सेव वॉटर, ओके? वी सेलिब्रेट वॉटर डे एवरी ईयर ऑन 22nd March एज वर्ल्ड वॉटर डे। एंड वाई, वॉट इज द आंसर ऑफ वाई? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वॉटर। क्या इम्पोर्टेंस है सेव वॉटर करने की, कंजर्व वॉटर करने की? इस तरफ ध्यान लोगों का अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, we celebrate this water day every year, okay? This is very important question. Second one is, why the water shortage has become a matter of concern throughout the world? पूरी दुनिया के लोग, है ना, पूरी दुनिया के लोग WHO, World Health Organization, क्यों इस चीज के पीछे serious है? Why the वाटर शॉर्टेज, जो ये वाटर शॉर्टेज का टॉपिक है, प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की, वाई द वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न? अ मैटर ऑफ कंसर्न का मीनिंग क्या है बच्चे? सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए
क्यों इम्पोर्टेंट हो गया वाटर शॉर्टेज का टॉपिक थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या जरूरत पड़ गई कि हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं, ठीक है, और वाटर शॉर्टेज को इतने हाई लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्कस किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को, तो क्या हो गया ऐसा? बेटा इसका आंसर है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्केस्टी, यानी 1/3 हिस्सा लोगों का पूरी दुनिया में वाटर की शॉर्टेज को, जो पानी की कमी है उसको फेस करेगा कुछ सालों बाद। तो आपका आंसर क्या है? इट इज एस्टिमेटेड का मतलब ये अनुमान लगाया गया है, अंदाजा लगाना जिसको बोलते हो। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन फ्यू ईयर्स, आने वाले कुछ सालों में, फ्रॉम नाउ, अगर हम 2022 से या इससे पहले जब भी साइंटिस्ट लोगों ने सोचना शुरू किया, मोर देन 1/3, बहुत बड़ा हिस्सा होता है ये पॉपुलेशन का, 1/3 ऑफ द पीपल विच आर लिविंग इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्केर्सिटी, कुड फेस मतलब कर सकते हैं इन फ्यूचर में, कुड फेस द वाटर स्केर्सिटी। ओके, तो इसीलिए द वॉटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स दैट इन फ्यू ईयर्स मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस द वॉटर स्केर्सिटी। ओके, तो दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दैट्स वाई वी आर कंसर्निंग दिस मैटर ऑफ वॉटर शॉर्टेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। Now next question, how much part of the earth is covered with water? Very simple question is this, how much part of the earth's surface is covered by water? Neil Gray bhi bolte na hum अपने प्लैनेट को, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, 71%। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर वर्कशीट इज, व्हाट इज बावड़ी? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बावड़ी? ओके, BAWRI, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बावड़ी? बावड़ी का क्या मतलब है? बेटा बावड़ी ओल्ड डेज में ये एक ट्रेडिशनल वे था वाटर कलेक्ट करने का, बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे। ओके, बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर इन ओल्ड डेज। ओके, पुराने जमाने में जो लोग थे वो एक परंपरागत ढंग से, ट्रेडिशनल वे यानी उनका ये ट्रेडिशन था कि वो बावड़ीज में पानी को क्या करके रखते थे, कलेक्ट करके रखते थे। ओके, तो ये जो अब इन बावड़ीज में गार्बेज डिपॉजिट होने के कारण ये बंद हो गई हैं, तो फिर से इनको दोबारा से जो गवर्नमेंट है वो पानी की शॉर्टेज देखते हुए रिवाइव करने की कोशिश कर रही है बावड़ीज को। आप अपने एंसेस्टर से पूछोगे, दे कैन टेल यू मच बेटर। नाउ व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
What is drip irrigation? यानी drip irrigation क्या होता है ये आपको बताना है. Drip irrigation आपने chapter में पढ़ा भी है और मैंने previous assignment में शायद आपको ये explain भी किया है. It is a technique of watering plants. Okay? It is a method कह लो. टेक्निक वर्ड की आपको स्पेलिंग मुश्किल लग रही है तो आप मेथड यूज कर सकते हो. इट इज अ मेथड ऑफ वॉटरिंग प्लांट्स. पौधों को पानी देने का एक तरीका है. ठीक है. इट इज अ मेथड ऑफ वॉटरिंग प्लांट्स. कैसे? बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स. बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो का मतलब होता है ज्यादा चौड़ी नहीं. ठीक है. तंग. नैरो ट्यूबिंग्स. पाइप्स भी नहीं कह सकते आप उसको. नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट. विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस और रूट्स ऑफ द प्लांट्स. अब ये तो हो गया व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन कि हमने प्लांट्स की रूट्स में डायरेक्टली नैरो ट्यूबिंग्स के थ्रू पानी दे दिया. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन मेथड. ठीक है. ड्रिप इरिगेशन का जो मेथड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्निक का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताना है. ठीक है. तो सबसे पहले वी कैन यूज वाटर इकोनॉमिकली. ओके. वी कैन यूज वाटर इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से पानी को यूज कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन कंजर्व वाटर. बेस्ट मेथड है कंजर्व वाटर का, वाटर शॉर्टेज को दूर करने का. तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है 7 क्वेश्चन में आपने क्या बताना है. राइट टू वाटर वाइज हैबिट्स. राइट टू वाटर वाइज. वाटर वाइज का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि हमने ऐसी हैबिट्स बतानी है जो पानी को सेव करने में हमारी हेल्प करें. वाटर वाइज हैबिट्स इनको बोलते हैं. तो बेटा इसको आप लोग ना पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो. टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग. टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग. जब आप ब्रश करते हो तो आप अपने टैप्स को बंद करके रख सकते हो. ये आपकी बुक में भी मेंशन है. मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग. हम फर्श को धोते हैं ना, धोने में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है तो मॉप कर सकते हो आप, पोछा लगा सकते हो. मॉप द फ्लोर इंस्टेड. इंस्टेड यानी इसकी जगह. किसकी जगह? इंस्टेड ऑफ वॉशिंग. तो इस तरह से आपको अगर एग्जाम में ज्यादा भी आती हैं वाटर वाइज हैबिट्स यू कैन राइट योर सेल्फ. अपनी तरफ से आप लिख सकते हो. ठीक है ना. अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्केस्टी ऑन प्लांट्स. कि पौधों के ऊपर क्या इफेक्ट है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर. पानी की अगर कमी है, स्केर्सिटी ऑन प्लांट्स का प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. ठीक है. ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी ऑन प्लांट्स. यानी प्लांट्स के ऊपर पानी की कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा. तो फर्स्ट बेटा विल्टिंग. विल्टिंग का मतलब क्या होता है, खराब हो जाएंगे. ठीक है. ज्यादा पानी दोगे सड़ जाएंगे, कम पानी होगा तो विल्ट कर जाएंगे. और विल्ट करने के बाद वाटर की जो शॉर्टेज के बाद ये प्रॉब्लम विल्टिंग की आई है, इसके बाद दे विल ड्राई अप.
ठीक है, तो ड्राइंग अप ये प्रॉब्लम सामने आएगी। तीसरा, डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, क्योंकि पानी से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे लिए पौधा जो है कैसे खाना बनाएगा, तो इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दीज आर योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 16। तो यू हैव टू सेव वाटर, यू हैव टू कंजर्व वाटर। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिंपली कंफर्टेबल एंड इजी फॉर यू ऑल पीपल। राइट देम इन योर नोट पैड्स, नोटबुक्स, ओके। फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 17, वेट। हैव अ नाइस डे।